हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EVS 1 क्लास स्टैंडर्ड 5th एकेडमिक ईयर 2020-2021. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेसन नंबर 5, फैमिली वैल्यूज. बिफोर स्टार्टिंग विद इट, लेट मी नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट फैमिली वैल्यूज. नाउ व्हाट डू यू नो मींस फैमिली मींस व्हाट? People living together means your mother, your father, your brother, sister, you, if you are having your grandparents, if you all live together, that is called as a family. Students, there is some questions for you all. Can you tell in your family how do you make the decision to go on a trip? मतलब आप जब कहीं ट्रिप पे जाने वाले होते हो तो पूरी फैमिली जा रही है उसमें, तो उसमें कोई एक डिसीजन लेता है या आप सब मिलकर उसमें क्या डिसीजन लेते हो? डू यू ऑफर सजेशंस अबाउट द प्लेसेस टू विजिट ड्यूरिंग द ट्रिप? क्या आप अपने सजेशंस देते हो जब फैमिली में कहीं भी घूमने जाने की, पिकनिक या ट्रिप जाने का प्लान होता है कि ये प्लेस जानी चाहिए या फिर ये प्लेस जानी चाहिए? डू यू गेट टू सजेस्ट विच गेस्ट शुड बी इन्वाइटेड ओवर ड्यूरिंग अ हॉलीडे? जब छुट्टी होती है या फिर हम अगर एग्जाम्पल है कोई बर्थडे पार्टी है, तो क्या उसमें आप सजेशन करते हो कि हाँ मेरे ये फ्रेंड्स को भी बुलाना है या इनको इनवाइट करना है? डू यू हेल्प ड्यूरिंग प्रिपरेशंस फॉर फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस एट होम? जब भी घर में कोई फेस्टिवल्स होता है, फंक्शन होता है, तो उसमें आप हेल्प करते हो, जैसे डेकोरेशन के लिए या फिर कुछ सामान लाने में आप हेल्प करते हो? आई होप स्टूडेंट्स, आप ये सब जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, ये सब में आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, आपका पार्टिसिपेशन भी होता है. दैट्स वाई वी लिव टुगेदर एंड वी आर कॉल्ड एज अ फैमिली, वेयर वी कैन हेल्प ईच अदर, वेयर वी कैन सजेस्ट विद ईच अदर, वेयर वी कैन हेल्प विद दैट, वी ऑल्सो गिव अवर सजेशंस ऑल्सो टू अदर्स. ओके, सो लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस फैमिली वैल्यूज. रोल इन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग मीन्स वॉट? कि कोई भी टॉपिक हो या फिर कोई भी बात चल रही है घर पे, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल है टॉपिक का, इसे दे देते हैं कि हाँ अगर बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है तो उसमें बर्थडे पार्टी कैसे करनी है, कहाँ करनी है, क्या डेकोरेशन रहेगा, किसको इन्वाइट करना है, तो वो जो एक डिसीजन मेकिंग मतलब उसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट होता है. We live together in a family. Every person's likes and dislikes are different. हम एक साथ एक फैमिली में रहते हैं, ठीक है, लेकिन सबकी पसंद नापसंद एक होती है? No, they are different. कभी कभी होती है कि कुछ हमारी नापसंद पसंद हमारे मम्मी पापा या हमारे भाई बहन या हमारे फ्रेंड से मिलती है. देखिए, हर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सेम होती है? No. Thoughts and opinions can also differ. जैसे हर किसी की सोच या फिर उसके सजेशंस डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे. वी आवर सेल्व आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. जैसे अभी हम आप खुद को ऑब्जर्व करते हो, आप आपके भाई बहन से थोड़े से अलग होंगे. किसी का नेचर बहुत ही पोलाइट होगा, किसी का एकदम गुस्से वाला होगा, कोई पोइट्री पसंद करता है, कोई प्लेइंग पसंद करता है, तो हम इससे भी अलग हैं. इवन सो आवर थाट्स एंड ओपिनियंस कैन मैच दोज ऑफ अदर्स ऑन वेरियस टॉपिक्स. Now what we understand from this, कि अगर हम भले ही हमारी likes dislikes different है, हमारे thoughts opinions अलग है, but कुछ topics के लिए हम सबके thoughts and opinions मिलते हैं. We have love and affection for each other. Family members में हम एक दूसरे को सबकी care करते, सबसे प्यार करते, सबसे affection है ना, कि किसी को कुछ भी, किसी family में एक member को hurt होता है तो हम सबको दुख होता है, किसी एक को कुछ प्राइज मिलता है या विनर होता है तो हम सब फैमिली में खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं. वी टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड आर कंसर्न्ड अबाउट अदर्स पीपल्स वेलबींग. हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे का भला भी चाहते हैं. वी टॉक टू ईच अदर बिफोर मेकिंग डिसीजंस अबाउट एनीथिंग इन दी हाउस. हम क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन अगर हम फैमिली में रहते हैं तो हम अकेले नहीं रहते हैं. एग्जाम्पल, अगर आपको पिकनिक भी जाना है, स्कूल की ही क्यों पिकनिक ना हो, फिर भी मम्मी अकेले डिसीजन ले लेती है? नो, घर में जो बड़े होते हैं सब मिलकर फिर डिसाइड करते हैं, या फिर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी होती है, सब फैमिली मेम्बर्स बैठते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं ना. कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एल्डर्स या बड़ों को ही डिसीजन लेना होता है, तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. तो ऐसा नहीं सोचना है कि हर डिसीजन में आपको आपकी फैमिली इन्वॉल्व करेगी. जैसे कोई बड़े एल्डर्स लोगों का कोई
टॉपिक है, उनकी कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। बट कुछ ऐसे जैसे चीज़ें, जैसे ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई भी डिसीजन में ना इन्वॉल्व किया जाए। जो भी टॉपिक्स या मैटर आपसे रिलेटेड होते हैं उसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। वी कंसल्ट ईच अदर एंड मेक डिसीजंस दैट एवरीवन एग्रीज विद। हम हमेशा वही फैमिली में डिसीजन लेते हैं जिससे सब कोई एग्री होता है, किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं होता है। इन दिस वे वी आर पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन दी फैमिली। सो डिसीजन मेकिंग जो होता है फैमिली में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है जिसमें हर फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व होता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। What happens when everyone has a role in decision making? क्या होता है जब हर किसी का involvement होता है decision making में? Each person gets the opportunity to say what they think. जैसे भी हमने जाना है कि हर किसी की thinking, opinion different होती है। अगर हम हर किसी को involve करते हैं decision making किसी भी particular topic पे, तो हर किसी को chance मिलता है अपने thoughts सामने रखने का। By asking everyone's opinion, the subject is thoroughly discussed from every aspect. अब हर किसी की सोच अलग है, तो अगर हम हर किसी को चांस देते हैं डिसीजन मेकिंग में अपना इन्वॉल्वमेंट देने के लिए, तो जो भी टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस हो सकता है। और उसके जितने भी मतलब एस्पेक्ट्स, मतलब पहलू है, जैसे कोई चीज़ किसी से छूट रही, कोई इस चीज़ पर ध्यान दे रहा है, तो वो चीज़ पर ध्यान देकर अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। We feel like a more important part of the family when we see that our opinion is valued. घर में अगर कोई भी बात की, अगर हमको पूछा, हमें खुशी होती है ना कि हाँ हमें importance मिल रहा है, हमें भी कहीं ना कहीं consider कर रहे हैं। Just as we have a role in making decision in our family, we also have a role in public decision making. In newspapers, we read about matters requiring public participation. A few examples of such news have been summarized below. जैसे हम घर में डिसीजन लेते हैं, वैसे हमें पब्लिक में भी डिसीजन लेना पड़ता है, मतलब अपनी सोसाइटी में। जैसे भी हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वोटिंग होती है, उसमें भी हमारा डिसीजन लिया जाता है ना। मतलब आप नहीं, जो एल्डर्स होते हैं 18 ईयर्स अबव, कि हमें हमारा नेता चुनने का पूरा पूरा हक है, हम उसमें डिसीजन ले सकते हैं। वैसे अगर सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में भी अगर कुछ भी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या कोई डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, सारे सोसाइटी के मेंबर्स एक साथ मीटिंग हेल्ड करते हैं। ओके, नल वी सी दी एग्जांपल ऑफ दिस न्यूज़पेपर द रीड एंड सी और वी ऑल आल्सो सिटीजंस पार्टिसिपेट इन म्युनिसिपल बजट प्लान सिटीजंस टू डिसाइड द मैटर्स ऑन व्हिच टू स्पेंड मनी citizens crowd to suggest improvements to city development plan innovation of road joining 6 villages joint efforts by 6 villages bears fruit means kuch decisions dekho government ke bhi aise hote hain jisme public involvement hua hota hai aur public ka bhi decision matter karta hai we feel the need for minor changes in our environment it is to our advantage that everyone has a role in making decisions about changes in our surroundings. The government we elect makes decisions regarding public matters. If we feel that a decision made by the government is wrong, we can register our opinion. In this way, we can be a part of decision making process. जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो हमारी है, जो भी हमारा नेता चुनते हैं, उसके लिए हमें चांस मिलता है। सेम वे अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी रूल बनाती है पब्लिक के लिए, और उसमें अगर हम सब पब्लिक ही है, मतलब मिलकर जितने भी हम हमारे सिटीजन्स हैं कंट्री के, हम भी ऑल आर पब्लिक होंगे, तो हम अगर उससे हमें लगता है कि हम सब डिस्कस करते हैं सोसाइटी में, हमें लग रहा है कि नहीं गवर्नमेंट का डिसीजन रॉन्ग है, इसमें मतलब ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम अपना ओपिनियन भी सामने रख सकते हैं। Now students think, be a part of decision making process in your home. Do not form your opinions merely on the basis of what others say. Share your thoughts with others. हमेशा क्या करना है आपको, कोई भी decision making में आप जब पार्ट लेते हो, कोई भी बात के ऊपर अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो किसी और ने कहा है इसलिए करना है, ऐसा नहीं करना है, अपने अपने दिमाग से सोचना है, अपने thoughts सामने रखने हैं। Okay students? Now students, there is one homework for you all. What you all have to do, read the chapter 5, Family Values. What you will do, you will learn it very thoroughly, okay, with spellings.
Thank you for watching this video. I hope you all have enjoyed it. Bye bye. Take care. Have a good day.